इंतजार हुआ खत्म। आ गई मलेश काका की असली सच्चाई पूरे परिवार के सामने और निकाल दिया ऋषि ने मलेश काका को घर से बाहर। और मलेश काका के माफी मांगने के बावजूद नहीं माफ करेगी नीलम, लेकिन वीरेंद्र मांगेगा लक्ष्मी से माफी और मंगवाएगा वीरेंद्र सोनिया से लेकर नीलम तक सभी को लक्ष्मी से माफी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलेश का रात 12 बजे अपनी माँ के भेजे हुए गुंडों को बुलाकर बलविंदर को भगाने की कोशिश करी होगी, तभी ऋषि की आंखें खुल जाएगी और मलेश का बलविंदर को घर से भगाने में नाकामयाब हो जाएगी। लेकिन वो सारे गुंडे चले जाएंगे और उसी समय जब पूरा परिवार इकट्ठा होगा और बलविंदर को होश आएगा, तभी बलविंदर को मन ही मन लगेगा कि उसे मलेश का ने फिर से फंसा दिया और खुद सबके सामने बहादुरी की तारीफें बटोर रही है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मलेश काका असली सच आज मैं सबके सामने ले आऊंगा, यह मन ही मन काफी गुस्से से बलविंदर सोचेगा। और इसी बलविंदर को कहेगा कि मैं आखिरी वार्निंग देता हूँ, अब मेरी सारी हद की पेशेंस की लिमिट खत्म हो गई है, इसलिए अब तू सच बता दे वरना मैं कसम से तेरा वो हाल करूंगा जो इस पूरी दुनिया में हुआ नहीं होगा। तभी यह सुनकर बलविंदर मलेश काका के सामने उठा देगा और ऋषि नीलम करिश्मा बुआ सबके होश उड़ जाएंगे। लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जब मलेश का ऋषि को कहेगी कि बलविंदर मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है, एंड यहाँ तक कि जब मलेश का ऋषि की झूठी कसम भी खा लेगी, तभी ऋषि गुस्से से बलविंदर को कहेगा तू झूठ क्यों कह रहा है। तभी बलविंदर कहेगा मेरे पास सबूत है। यसुन का ऋषि कहेगा चल दिखा। तभी बलविंदर अपने जेब से मोबाइल निकालेगा और रिकॉर्डिंग सुनाएगा। तभी ऋषि नीलम पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और मलेश काका असली सच और असली चेहरा सब के सामने आ जाएगा। जहाँ पर जब मलेश का कहेगी कि ये मेरी आवाज नहीं है, तभी ऋषि कहेगा इनफ मलेश का, तुम्हारा बहुत हुआ, तुम्हारा असली चेहरा आज सबके सामने आ चुका है, मैं सोच नहीं सकता कि तुम इतनी गिरी हुई इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। तभी मलेश का रोने का नाटक करती हुई नीलम के पास जाएगी। तभी नीलम भी साथ देने से इनकार कर देगी और कहेगी हमसे कुछ उम्मीद मत रखना। तभी जब मलेश का कहेगी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सबसे पवित्र और सबसे अच्छी हूँ, तभी लक्ष्मी कहेगी बस मलेश का। यह लक्ष्मी की आवाज सुनकर मलेश का कहेगी जस्ट चटाप, मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलो। तभी लक्ष्मी कहेगी अपने आप को इतनी अच्छी बताने की कोशिश मत करो, आज तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। औरत का चरित्र एंड उसकी पवित्रता उसके संस्कार से दिखती है जो तुम में बिल्कुल नहीं है, और आज देखो मेरे माँ बाबू जी के आशीर्वाद से तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। यसुन का मलेश का कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन तभी जब मलेश का नीलम वीरेंद्र और ऋषि से माफी मांगेगी और कहेगी मुझे इस छोटी सी गलती के लिए माफ कर दो, तभी वीरेंद्र काफी समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहेगा कि छोटी गलती है, तुम्हारी वजह से मलेश का हमने लक्ष्मी का कितना ज्यादा अपमान किया, उस बिचारी की तो शुरू से लेकर अब तक कोई गलती ही नहीं थी, और मलेश का तुम्हारा पता नहीं तुमने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कितनी बार किया होगा, हम क्या बेवकूफ दिखते हैं, और ये माफी मांगने की हमसे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें माफी मांगनी है तो लक्ष्मी से मांगो, उसके पैर छुओ और उससे कुछ सीखो। तभी यह सुनकर मलेश का को मनी मन काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और तभी ऋषि कहेगा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मलेश का क्या लक्ष्मी से माफी मांगेगी, इसे तो अपने सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए प्लीज मलेश का तुम यहाँ से चली जाओ, हाथ जोड़ता हूँ तुम हमारा घर छोड़कर अपने घर चली जाओ। तभी यह सुनकर मलेश का कुछ भी बोले बिना चली जाएगी और तभी वीरेंद्र लक्ष्मी के सामने आकर लक्ष्मी से माफी मांगेंगे और लक्ष्मी को गले लगाकर कहेंगे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो बेटी। तभी यसुन का लक्ष्मी के आंखों से आंसू आ जाएंगे और वीरेंद्र नीलम से लेकर सोनिया तक सभी को लक्ष्मी से माफी मंगवाएगा। और आप ऐसा बने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? और आप ऋषि लक्ष्मी को एक हो जाना चाहिए क्या नहीं, और आपको अब ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।